अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और आज का दूसरा T20 ख़त्म हुआ और बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, अगर हम बैटिंग में भी देखें और बॉलिंग में भी देखें। क्योंकि सबको पता है कि एक दिन अच्छा खेलती है, दूसरे दिन बुरा खेलती है। कंसिस्टेंट तो कभी भी ये परफॉर्मेंस देने का इनका दिल ही शायद नहीं करता। पहला T20 भी मेरे ख्याल है उस्मान कादिर के जो 4 ओवर्स थे उसने मुश्किल में डाला, वरना मेरे ख्याल वो रन्स भी चेज़ कर गए थे। और क्लैसिन और जो फिलिप वायो ने जब शॉट्स खेले वो सीधे फील्डर के हाथ में गए थे। अगर वो इन दोनों को वो चांस मिल जाते तो मेरे ख्याल वो दोनों ही मैच को ख़त्म करके आ जाते। तो अगर दोनों मैचेस के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो जूनियर टीम है उन्होंने एक सीनियर टीम जो पाकिस्तान की हम कहते हैं उसको सही उन्होंने दबा के रखा हुआ था। आज के मैच की बात करते हैं। मेरे ख्याल में शायद पहले बाबर आजम ने ठेका लिया हुआ था रन्स करने का, फिर उसके साथ साथ हफीज़ ने ठेका लिया हुआ था रन्स करने का। अब वो टीम में नहीं है तो रिजवान ने ठेका ले लिया रन्स करने का। अभी रिजवान मेरे ख्याल रन्स करता रहेगा, बाबर तो 2 मैचेस में कुछ नहीं कर सका, शायद अगले मैच में वो रन्स कर दे, बस यही फिर 2 ठेके लेके रखेंगे। हैदर अली साहब ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, खुशदिल शाह ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, इफ्तखार साहब तो मेरे ख्याल पता नहीं मिसबाह उल हक के पसंद के प्लेयर हैं या चहीते बने हुए, ये क्या है, वो बंदा क्यों टीम के अंदर खेलता है, मेरी बिल्कुल भी समझ से बाहर है। एक पता नहीं 50 कर दिए, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थिंक वो कोई उसने रन्स कर दिए थे, तो बस वो उसको लेके वो चली जा रहा है, परफॉर्मेंस उससे हो नहीं रही। इफ्तखार साहब ने 13 मैच खेल चुके हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। खुशदिल शाह 9 मैच खेल चुके हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हैदर अली साहब लास्ट 6-7 इनिंग्स के अंदर कोई रन्स नहीं है, दिए जा रहे हैं चांस, दिए जा रहे हैं, और डगआउट के अंदर प्लेयर्स बैठे हैं जो नए प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको मेरे ख्याल है आप तीसरे T20 में प्लीज़ खुदा के लिए उनको चांस दे दो। शुक्र करो फ़हीम अशरफ ने 30 रन कर दिए तो 144 रन बन गए, वरना मेरे ख्याल है पूरी टीम 100-110 पे आउट हो जानी थी। रिजवान की बड़ी मेहरबानी, उसने फिर 50 रन्स कर दिए। उसके अलावा तो मेरा ख्याल है किसी का शायद दिल ही नहीं करता। T20 का मतलब सारे ये समझते हैं कि बस पहली बॉल से मारो 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 मारो, भाई सिंगल डबल की क्रिकेट भी होती है, क्रिकेटिंग शॉट्स भी होते हैं, जिस तरफ बॉल जाती है उस तरफ चौका मारते हैं या उस तरफ छक्का मारते हैं, सही है। इस तरीके से क्रिकेट भी खेली जाती है, सिर्फ रेलू कट्टे की तरह टेप बॉल की तरह नहीं, ऑफ स्टंप पे आगे बढ़ लेग स्टंप पे घुमाई जाओ। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने कितनी ज़बरदस्त आज बॉलिंग की। लास्ट T20 के मैच में उन्होंने आखिरी 10 ओवर में आई थिंक 90 समथिंग रन्स दिए थे, लेकिन आज देखो लेफ्ट हैंडेड को उन्होंने राउंड द विकेट बॉलिंग की, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स करते रहे, और बड़ी ज़बरदस्त आई थिंक प्रिटोरियस जो बॉलर हैं शायद, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, कितनी आला बॉलिंग की है। हालांकि उनका पेस भी नहीं है, 125, 26, 27, 30 पे बॉल करते हैं, वेरिएशन के साथ बॉलिंग की 5 आउट आउट करके। तो बात यह है कि भाई जो हमारे जो 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको मुस्तकिल चांसेस मिल रहे हैं, इन्होंने ये अब ये 2 मैचेस हो गए, उससे पहले भी खेलते रहे, कुछ भी नहीं है। अब मिसबाह उल हक साहब को चाहिए कि दानिश अजीज़ साहब बैठे हुए बाहर, आप उसको खिला सकते हैं, सरफराज को एज अ बैट्समैन आप खिला सकते हैं, खुशदिल शाह को, और आप इनको इसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्या नाम है, खुशदिल शाह और इफ्तखार अहमद साहब को ड्रॉप कर सकते हैं, आप दानिश अजीज़ को लेके आ सकते हैं, आप सरफराज को लेके आ सकते हैं। फिर उसको बॉलिंग में हारिस रऊफ साहब बिल्कुल कोई रिदम में नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं लग रहे, उनका बॉल ही जगह भी नहीं गिर रहा, पता नहीं पिछले मैच में भी क्या हुआ, आज के मैच में भी क्या हुआ। तो उनको भाई रेस्ट करवा के, आपके पास नैन एक इतना अच्छा बॉलर है उसको आप खिलाएं तो शायद आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है कुछ बेहतर बेहतर हो सकती है। हैदर अली साहब के दिमाग में भी कुछ डालें कि भाई सिर्फ सिर्फ आड़ा उड़ी वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, भाई सेंसिबल क्रिकेट भी खेलनी है, रन्स करने हैं, रन्स आप लोग करोगे, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम 150 से कम रन्स डिफेंड ही नहीं कर सकती, हमेशा हार जाती है मैच। उनको देखें साउथ अफ्रीकन्स को, आपने देखा आज अब्दुल उस्मान कादिर के बेटे को किस तरह चार्ज किया, पिछले मैच में स्पिन हो रहा था उनको, मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो आज फ्लाइट के साथ बॉल कर रहा था, बॉल इतना स्पिन नहीं हो रहा था, उसको रखे छक्के उन्होंने टांग रख के वहीं उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। हैंड्रिक्स 42 पे, बिलियन फिर 42 पे, इन्होंने कैसा चार्ज किया है इनके ऊपर। तो भाई वर्क करते हैं वो कि अब अगले मैच में किस तरीके से खेलना है। डेविड मिलर नॉट आउट रहे, फिर उनके कप्तान जो क्लैसिन है वो नॉट आउट रहे, तो सेंसिबल तरीके से उन्होंने क्रिकेट की है, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। जो बॉल मिल रही थी उस पर वो उन्होंने शॉट्स खेले, जो सिंगल डबल्स लेने होते हैं सिंगल डबल्स लेते हैं, हमारे लड़कों को सिंगल डबल्स पता नहीं कब लेने आएंगे, वो कहते हैं जी बस 6 ओवर की क्रिकेट है, टेप बॉल स्टार्ट कर दो, बस ऑफ स्टंप पे आके बस घुमाते रहो
मतलब बाबर आजम अगर सर्किल में रन्स करेगा तो आपकी टीम रन्स करेगी, अगर बाबर आजम आउट हो जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये तो शुक्र करो कि रिजवान जैसा प्लेयर एज अ ओपनर है उसके साथ ओपन कर रहा है, तो बाबर आउट हो रहा है तो वो थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो वो तब जाके आपके 6 ओवर में थोड़े से रन्स बन जाते हैं, वरना दूसरे हों तो वो तो मेरे ख्याल से शॉटें मार मार के आउट भी हो जाएं। बहुत गंदी बॉलिंग की पाकिस्तान के बॉलर्स ने। भाई अगर बॉल आपका स्पिन नहीं हो रहा, अगर फास्ट बॉलर्स का बॉल कुछ भी नहीं हो रहा, तो खिंचा खिंचा हुआ बॉल करते रहो, ऑस पड़ी हुई है खिंचा हुआ बॉल करो, स्किट होगा, क्रॉस मारने जाएंगे आउट होने के चांसेस होते हैं। विद इन स्टम्प बॉलिंग करो इस कंडीशन के अंदर, तो अगर आप विद इन स्टम्प बॉलिंग नहीं करेंगे, पीछे करेंगे, ऑफ स्टम्प से बाहर करेंगे या मुंह पे स्पिनर भी बॉल करेगा तो उसको छक्के ही लगने हैं, उसकी उसको मार ही लगनी है। मेरे ख्याल में शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे पाकिस्तान के प्लेयर, तो हम आज फिर आराम से 170-180 रन करके आराम से जीत जाएंगे। भाई ये क्रिकेट है, क्रिकेट जो है ना ये किसी की भी नहीं है, एक दिन आप अच्छा खेलेंगे दूसरे दिन आप बुरा खेलेंगे, लेकिन टीम वो होती है जो जो जिस दिन बुरा खेले उस दिन अपनी गलतियों पे काम करके अच्छा करे, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया। पिछले T20 में गंदी बॉलिंग की, इस T20 में देखें कितना ज़बरदस्त वो खेले हैं। उसके बाद पिछले बैटिंग देख लें, लास्ट T20 में उन्होंने उस्मान कादिर को किस तरीके से खेला और आज देखें किस तरीके से खेला। तो जो टीम गलतियां करती है वो सीखती है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। मेरे ख्याल में अब तीसरा जो T20 है खुदा के लिए उसमें ये तीन चार दो तीन जो चेंजिंग्स बनती हैं, ये मिसबाह-उल-हक साहब ये आप चेंजिंग्स करें तो आपके सामने आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अगर आप दानिश अजीज़ को खिलाते हैं या सरफराज को खिलाते हैं या असनैन को खिलाते हैं आरिस रऊफ की जगह, आप टीम की परफॉर्मेंस देखिएगा कितना फ़र्क पड़ेगा। आज की परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने, अगर बॉलिंग की बात करें एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की है, अगर बैटिंग की बात करें तो एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की है। अब लेट्स सी देखते हैं जो तीसरा जो T20 है उसमें कैसी परफॉर्मेंस रहती है और कौन सी टीम ये सीरीज़ जीतती है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।